एमपी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदेश भर के वकीलों ने विरोध किया और प्रतिवाद दिवस मनाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मामले में सफाई देते हुए प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले वकीलों पर जानलेवा हमले होते हैं। साथ ही पटवारी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने प्रोटेक्शन देने की बात कही थी, जिसे जल्द ही लाया जाएगा। हमारे लॉ डिपार्टमेंट है, जो वकील हैं, जो बार काउंसिल है, और जो वो लोग जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ के लिए लड़ते हैं, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं, तो वो परिवार के लोग हमेशा बड़े बड़े मुकदमे लड़ते हैं, बड़ी ताकतों से टकराते हैं। कई परिवार के साथियों के साथ कई बार जो वकील होते हैं उनके साथ किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से प्राण घातक हमले तक हुए, उनकी जान माल को हानि पहुंचाने की कोशिश कई बार सामने अखबार पत्रकार और कानून के हमारे जो सूचकांक है उसके आधार पर आए। चूंकि मैं खुद एक वकील हूं और मैंने भी LLB की है, उनके दर्द को मैं जीता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि हर हालत में हमारे वकीलों के प्रोटेक्शन का बिल, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेके आएगी, और मैं समझता हूँ एक आध जब कैबिनेट नहीं आएगी उसमें ये पूरी कल्पना परिकल्पना भी पूर्ण होगी।